मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि एक बार सिर्फ ये रेमेडी अप्लाई कर लो, आपके चेहरे पे जितना भी कालापन है फौरी तौर पे खत्म हो के आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, स्किन एकदम से वाइट हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, जैसे बेबी स्किन होती है, जापानी गर्ल्स की स्किन होती है, बिल्कुल आप लोगों की स्किन ऐसे होने वाली है। और आज यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाली हूँ। मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। अगर आप लोगों की शादी करीब है या कोई आप लोगों ने फंक्शन अटेंड करना है, तो आप फौरी तौर पर इस रेमेडी को अप्लाई करके फौरी तौर पे अपने चेहरे का कालापन खत्म करके, अपने हाथों पाओं का कालापन खत्म करके, अपनी स्किन को ग्लो करवा के शादी पे जा सकते हैं। सो मेरी प्यारी बहनों एंड भाइयों, बिना टाइम जाए के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे काइंडली आल का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सच तो ये है कि जब भी आप लोग बाहर जाते हैं, कालापन आपके चेहरे पे कैसे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके चेहरे पे कालापन आ जाता है, लेकिन आप लोगों ने इसको कैसे रिमूव करवाना, आज आप लोगों को मैं यही बताने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस रेमेडी से आप लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों की स्किन रेड हो जाती है, रेड होना खत्म हो जाएगी। सेकेंड नंबर पर, अगर पिम्पल्स हैं खत्म हो जाएंगे, पिंपल्स के निशान हैं, एक्ने हैं, या फिर आप के बहुत पुराने दाग हैं, किसी किस्म के डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं कहना कि वन टाइम में हमने अप्लाई कर लिया और वन टाइम में हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। स्लो डाउन मिलेगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। स्किन वाइट एंड ग्लो वो फौरी हो जाएगी, मैं आप लोगों को लाइव करके भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ले आइए एक बाउल, मैंने भी ले लिया है बाउल। सेकंड नंबर पे यहाँ पे चाहिए मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी बनी हुई मिलती है, वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपने ये वाली लेनी है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। कोई सी भी हो जाए पाउडर फॉर्म में आप लोगों ने लेनी है। ये मैंने तकरीबन हाफ चम्मच इसमें डाल ली है। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए तिब्बत स्नो क्रीम। तिब्बत स्नो क्या काम करती है, सनटैन को रिमूव करती है, स्किन को वाइट करती है, उसके बाद जितने भी पिंपल्स एक्ने वगैरह के निशानात होते हैं उसको ये ख़त्म करके आपकी स्किन को वाइट करवाती है। हाफ चम्मच आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है, या आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, इसको लाजमी ऐड करना है। अगर आप लोग इसको नहीं ऐड कर रहे तो आप फेयर एंड लवली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने लेना है सन ब्लॉक, कोई सा भी सन ब्लॉक ले सकते हैं, इससे बहुत तेज़ी से कलर फेयर होता है। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि गर्मी है सर्दी है एक मौसम में यूज़ करना है, किसी मौसम में भी आप कर सकते हैं। इतना लेना जो आपके वन टाइम में चेहरे पर आप लोग अप्लाई कर लें, इतना आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। लास्ट पे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मैं डालने जा रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस इसमें मैं ऐड करूँगी, एक लेमन जूस पूरा, ठीक है। इससे क्या होता है, ये आपके चेहरे को ब्लीच करता है, आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपकी स्किन के डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों को सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह लेमन की जगह आप लोग रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थिक से पैक रेडी हो गया हमारा, बिल्कुल भी ज़्यादा इसको पतला तो नहीं करना था, थिक से पैक जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। तो मैं भी आपको इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करके इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। आपने पूरे चेहरे पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है, ब्लीक लेयर में करें, मोटी में करें, कोई मसला नहीं है, जैसे भी हो आप लोग कर सकते हैं। तो जी, मैंने अपने इसको फुल चेहरे पे अप्लाई कर लिया। अप्लाई करके 10 मिनट तक आप लोगों ने छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद मैं आती हूँ आप लोगों के पास वापस और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि देन आप लोगों ने क्या करना है। तो जी, 10 मिनट हो चुके और मैं आप लोगों के पास वापस आ चुकी हूँ। ये हल्का हल्का सा ड्राई हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। अगर आप फुल ड्राई करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अपने हाथों को गीला कर लें अच्छी तरह से और इस तरीके से मसाज करना शुरू करते हैं। तकरीबन आप 2 मिनट तक मसाज करें इसके फुल चेहरे पर। 2 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं। तो जी, अब बारी है रिजल्ट की, कहीं मत भागिएगा। तो मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाने वाली हूँ लाइव। मेरे पास स्पंज, इसके साथ मैं साफ करने वाली हूँ और रिजल्ट आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वाह, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, लेकिन कंप्लीट मैं आप लोगों को वॉश करके दिखाती हूँ।
तो जी ये रहा रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने। मैंने अपने चेहरे को साफ किया और कितनी मेरी स्किन शाइन कर रही है, व्हाइट हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन हो चुकी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं व्हाइट करना तो आप इजीली इसके साथ व्हाइट कर सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों, पाँव पे, नेक पे, अपनी फुल बॉडी पे आप इस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकेंड एमडी की तरफ, जिससे स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने वाली है और स्मूथ होने वाली है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल मार्केट वाली। अगर नहीं है तो घर वाली ले ले, सिर्फ इतनी सी लें जितनी कि वन टाइम में आपके चेहरे पे पूरा पैक बन के लगा सके, ठीक है। मैंने सिर्फ इतनी सी ली है। सेकंड नंबर पे हमें लेना है वाइटनिंग सीरम। मैं यहाँ पे स्किन केयर का ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। विटामिन ई का वाइटनिंग सीरम कॉस्मेटिक शॉप से या फिर ऑनलाइन आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कोई यहाँ पे रेकमेंड नहीं करी, दो ड्रॉप्स आप लोगों ने इसके लेने हैं, काफ़ी रहेंगे आपकी स्किन के लिए। और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करवाना, मिक्स करवा के फुल अपने चेहरे पे इसको लगा लें, पूरे चेहरे पे इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी मसाज करवानी है। मसाज करवाने के बाद आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आप पार्लर से फेशियल करवा के आई हो। तो ये देख लें, मेरी स्किन भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है, आप लोगों की आंखों के सामने है। तो कैसी लगी आज की मेरी पावरफुल रेमेडी, आप लोग बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी पावरफुल रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।